शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं नहीं सर, पूजा के बारे में ऐसा मत बोलिए, पूजा अच्छी लड़की है। माँ, अगर मैं उस लड़की पर इल्जाम लगा देता तो कितनी बदनामी होती उसकी। मेरा चाहे जो होना सो हो जाए, मगर उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ माँ, मैं उसे बेहद चाहता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता, वो मेरी जान है। ए असलम, राजा कहाँ है? क्यों, क्या काम है? मुझे कोई काम नहीं भाई, ये लड़की काफी देर से राजा को ढूंढ रही है, बहुत परेशान है। लड़की आइए मैडम। हाय, वो मैं राजा के घर गई थी, वहां से पता चला वो यही मिलेंगे। कौन है आप? जी मेरा नाम पूजा है। पूजा राजा से मिलने आई हूँ। असलम असलम सबर कर, असलम सबर कर, असलम असलम मैं कह रहा हूँ ना, बस कर यार। पूजा बहन, अब आप राजा से कभी नहीं मिल सकती। क्या, क्यों, आखिर क्या हुआ राजा को? क्या हुआ, अब हम बताएं आपको क्या हुआ। देखिए प्लीज प्लीज बताइए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे दिल क्या होता है पता है आपको? अगर आप किसी ने मेरा दिल होता ना, तो आप हमारे गरीब दोस्त का दिल कभी नहीं तोड़ती। अरे कितना प्यार करता था आपको। देखिए देखिए प्लीज बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बताइए वो कहाँ गया है। राजा हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। क्या, कहाँ गया? रेलवे स्टेशन। राजा तुझे क्या लगता है, वो आएगी ना? आएगी, जरूर आएगी। नहीं, अगर वो नहीं आई तो? बोला ना आएगी वो। मेरा बोलने का मतलब है, अगर वो नहीं आएगी तो तू सचमुच चला जाएगा? देख प्लेटफॉर्म टिकट ली है, कोई जूनागढ़ की टिकट नहीं, समझे? हाँ हाँ वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो इस तरफ नहीं आई तो? इसे नीचे रख। क्यों? हाँ रख। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बावला हो गया, आ जाएगी वो। ये फोटो ले जाकर पंडित जी को दिया जी। सेठ जी, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। अच्छा, कहां देखा है? कहां? हाँ याद आया सेठ जी, कल ही ये लड़की एक सड़क छाप मवाली के साथ खुलेआम गाना गा रही थी। क्या? हाँ, और नाच भी रही थी। पर सेठ जी क्या नाचती है। बकवास बंद कर, मेरी बेटी के बारे में ऐसी उठपटांग बातें करते तुझे शर्म नहीं आती चिरकुट? बेटी? ये तो अपनी पूजा बिटिया है, लेकिन सर जी जो मैंने कहा है ना वो भी बिल्कुल सच है। मैं उसके लिए एक करोड़पति लड़का ढूंढ रहा हूँ और वो एक सड़क छाप मवाली के साथ नाच रही है, गा रही है। चिरकुट पूजा कहाँ है? कौन पूजा? मेरी बेटी। आप कौन है? तेरा बाप। डैडी डैडी डैडी, आ गई तुम। भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक ही तो सुन रहे हैं डैडी,
अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अरे मैं जरूर खुश होता अगर वो तुम्हारे लायक होता, लेकिन चौल में रहने वालों को मेरा दामाद बना रही हो, मतलब चौल में क्यों? चौल में इंसान नहीं रहते क्या? होते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें वहां रहने के लिए बनाया होता है और तुम उसको यहाँ लेकर आ रही हो। तुम इन आदमियों को नहीं जानती, अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लड़का सिर्फ तुमसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि इसे तुम्हारी दौलत, तुम्हारा बंगला नजर आ रहा है। कैसी बात करते हैं डैडी, उसे तो मालूम भी नहीं मैं किसकी बेटी हूँ, कहाँ रहती हूँ। अच्छा, बड़ा मासूम है, बिना जाने इश्क कर बैठा। क्यों, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि कोई मुझसे इश्क करे? पूजा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम पर 10 रुपए का मिट्टी का तेल डालेगा और 100 करोड़ का मालिक बन जाएगा। ओह माय गॉड, देखा है नहीं, मिले है नहीं, अपनी तरफ से बोले चले जा रहे आप। क्या मैं घर छोड़कर भाग जाऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर अच्छा ठीक है, तुम मुझे उससे मिलवा दो ना एक दिन। ये हुई ना बात, एक दिन नहीं, वो अभी आपसे मिलने आए, नीचे खड़ा है, चलिए। नीचे खड़ा है ऑलरेडी? तुम क्या करते हो, सब कुछ इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मगर तुम समझा करो ना। देखो बेटा, अब तुम डैडी आप भी, चलो ठीक है, पसंद आएगा सर। अरे ठीक है, मगर राजा सची, क्या हो गया? Oh my God, डैडी, सची, डैडी, डैडी, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे इन्हें मिर्गी आई है, जूता सुंघाना इन्हें। अरे मिर्गी वर्गी नहीं आती डैडी को, बेहोश हो गया डैडी। अरे पानी लाइए ना, पानी लाओ, जल्दी लाओ, डैडी, मेरे ख्याल से आपको बुलाना चाहिए, लाइए, लाइए, डैडी, डैडी, लो, होश आ गए इन्हें, होश आ गए, डैडी उठी, आराम से, डैडी, डैडी, डैडी अब ठीक तो है, डॉक्टर को बुलाऊं? ये लड़का जिससे तुम प्यार करती हो जी, इसी लड़के से शादी भी करना चाहती हो जी? मैं अकेले में इससे कुछ बातें करना चाहता हूं। अरे नहीं, आओ। शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या? लेकिन सुनो तो, नहीं हो सकती। राजा मेरे, नहीं हो सकती ये शादी। मेरी बात सुनो राजा। पूजा तुम भी सुन लो, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। राजा, राजा। नहीं करूंगा मैं ये शादी।